हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो स्वागत आप सभी का फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं, मैंने मतलब घर का जो भी काम है डेली रूटीन का वो मैंने कर लिया। ब्लॉग मैंने बाद में ही स्टार्ट किया और नहाना, कपड़े वगैरह धोना वो सब सुबह ही हो गया था। बट क्या ही मतलब कपड़े वगैरह धोने से भी, क्योंकि धूप तो आई नहीं। आज तो मतलब रात से ही बारिश हो रही है, कभी रुक रही है कभी आ रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो बस यही बारिश है कि सर्दी बढ़ाएगी। तो मैंने जो भी डेली रूटीन का काम मैं कर लिया, बस खाना खाना बनाना है। आज खाना भी नहीं बनाया जल्दी, क्योंकि पापा कुछ अपने ऑफिस के काम से गए हुए थे और वो भी सुबह सुबह ही निकल गए थे जल्दी। तब खाना भी अभी दोपहर में बनाएंगे। और एक बार सबने नाश्ता वास्ता कर लिया था, तो अभी हम सोच रहे हैं कि बारिश रुक ही जाए तो मैं और मम्मी भी नहा के आ गए और कि मार्केट चले जाए, फिर आके खाना वाना बनाएंगे। क्योंकि अभी तो कौन ही खाएगा, सबने नाश्ता कर लिया। तब अभी बारिश है कि रुक ही नहीं रही है, बार बार मैं वापस आ रही है, मतलब कभी बूंदा बूंदी हो रही है। तो मैं मम्मी सोच रहे हैं कि जा ही आए मार्केट में, कुछ दिवाली का सामान है वो भी लाना है, और दीदी के नहावन का भी कुछ मतलब वो छोटी गुड़िया है उसके लिए ड्रेस वगैरह, मोगी के लिए कपड़े वगैरह, वो ड्रेसेस वगैरह, और भी बहुत सारा सामान है कोई छोटा मोटा, तब हम वो लेके आ जाए। लेकिन बारिश नहीं रुक रही, अभी बारिश रुकने का ही हम वेट कर रहे हैं कि रुक जाए तो हम मार्केट में जाके लेके आ जाए सामान। तो चलो फिर क्या होता है, हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, बारिश रुकती है नहीं रुकती है, कब जाते हैं, तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग पे आप कंटिन्यू बने रहना। चलो तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। और एक चीज़ और आप सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। बस मेरे को यही कहना था, मैं भूल गई थी। चलो तो फिर मिलेंगे आपसे बाद में। ये देखो बारिश आ रही है, कैसे नाले चल रहे हैं बारिश के। यो एक एक बांग एक सेट कितना को पड़ा? ये 450 रुपए का होगा, 380 रुपए का होगा, इसे 340 अभी। गुड़िया वगैरह इनके कपड़े लेके आ गए। अभी मम्मी इधर से चूड़ा फेस पैकिंग के लिए वगैरह वो सब ले रही है। पीछे एक बुट्टी एक या मिल जाएगी 180। हां तो हम लोगों को नालों से कुछ लाग गए, नहीं तो नालों से लाग गए। अरे मैं दिन अरे हाँ ये जन ठीक है, इतना छोटा है। अगले की ले या कलश की? कलश पर तो पक अंदर आ जाए फिर या आई ले या कितना की है भैया? 50 अभी हमने सामान खरीद लिया, अभी सब्जी लेंगे। ये आए हमें लेने के लिए, ये आए हैं ड्यूटी से, तो अभी जाके इनको खाना वाना बना के देंगे। तो अभी मैं और मम्मी आ गए शॉपिंग करके, ये हमें लिए। किचड़ तो इतना ज़्यादा हो रहा था। मैं व्लॉग बना रही हूँ, माँ सामने सो रहे हैं। माँ हाय कर दो। तो किचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर ये बाई चांस हमें लेने आई गई। तो अभी मैं खाना वाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या लेके आई। मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या। एक तो ये है ना लक्ष्मी माता के पगले होते हैं, ये लेके आए। और एक ये लक्ष्मी माता की फोटो,
छड़ी की आरती की थाली, ऐसे बोलते हैं धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदने चाहिए, तो ये वाली थाली लेके आए। ये सब बेस पैकिंग की थैलियाँ हैं, ये छोटे छोटे ऐसे गुलदस्ते ले आई थी सजावट के लिए, और ये कुछ इतने छोटा मोटा सामान है। ये बाबू गुड़िया के लिए झुझनिया, नावन में देने के लिए नजरिए, और छोटी छोटी ब्लैक चूड़ी है, और ये इसमें मेहंदी वगैरह वो सब। एक ये मैं सुंदर सा फोटोज के लिए दिया लेके आई थी, बाकी तो जो कुमार होते हैं ना वो देख के चले जाते हैं, ये वाला और सब। तो ये माता जी के पगले हर रूम के रसोई के आगे लगाने वाला के कह रहा हूँ, मतलब। और ये मैं मेरे लिए चूड़ा लेके आई दिवाली के दिन, अच्छा ये दिवाली के लिए। तो कैसा लगा ये? गोल्डन कलर का है, मतलब ऐसे डार्क सा गोल्डन है, सुंदर कलर है, तभी मेरे को अच्छा लगा। तब ये मम्मी ने मेरे को दिला दिया पूरा, और अभी गुड़िया की और मम्मी की ड्रेस दिखाती हूँ मैं। पहनूंगी तो क्या ही मैं, ये येलो टी शर्ट है, उसके नीचे येलो, और सर्दियों के हिसाब से येलो, और गुड़िया की गई नहीं जाई है ये, नहीं टी शर्ट ये, और नेवी ब्लू कलर की एक और है इसके नीचे करा ली। तो पे कहे क्या ही खोलूँ, क्योंकि वापस पैकिंग करनी पड़ेगी। और ये गुड़िया के लिए प्यारी सी ड्रेस, क्यूट सी मम्मी देखो, और चेहरो भी आ रही ड्रेस में है ना, माँ साफ कलर की है, तो मतलब बिक्की लिए ही है ड्रेस है ना, चेहरा और मोगला को भी मार रही है। हाँ और आ रही है, और बयान पजामी टीशर्ट ही, और ये मोगला की दो टीशर्ट ही कतल है, मम्मी और माँ बोल रही हैं कि ये चूड़ा पहन ले आज, मतलब अच्छा वार है। तो देखती हूँ, मैंने सुबह ये वाला चेंज किया था, पहले तो मैंने इसे कड़े से पहन रखे थे, तो मैं आज ये पहन लेती हूँ, धनतेरस भी है, फिर दिवाली तक यही रखूँगी। ये सुनियो ना, तो सुनियो हम दोरी आवे अनोटी थैली में पैक कर दे, ये सब लेके आई थी मैं सामान। सब अच्छा गाल दिशा, ये दीदी की दादी सासू का बेस है, और ये है उनकी सास का, और ये मोदी की ड्रेस, और ये दीदी का, और गुड़िया का। अभी तो ये तीन ही बेस होंगे ओनली, और बाद में जलवा में सबके होंगे, उनके ननद के बड़े वाले दीदी के सबके। ड्रेसेस जो भी थे पैकिंग वो कर दी, और अभी बज रहे हैं चाय, यार मैं क्या बोल रही हूँ, मैं दोनों वर्ड साथ बोलने वाली थी, चार और चाय, तो मेरे से चाय निकल गया। तो अभी हाँ हमने चाय वाय पी ली, और अभी बज रहे हैं चार, तो अभी मैं थोड़े दूर स्कूटी चलाने जाऊँगी, क्योंकि मतलब अभी मैं मार्केट वगैरह में तो मैं अभी लेके ही नहीं जाती स्कूटी, ओनली जो खाली रोड उस पर तो मैं आराम से चला लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा डर है जो निकला नहीं, अभी मैं 5-7 दिन और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, तब मेरे को कॉन्फिडेंस हो जाएगा खुद में,
और ये मेरे को अकेले में दे भी नहीं रहे हैं स्कूटी, तो अभी मैं स्कूटी सीखने के लिए जाऊंगी। तो फिर चलो बस आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सभी अपना ध्यान रखें। देख जा रही है कुछ ये वही लक्ष्मी माता का दंगना तो खरे हैं वही धनतेरस आज वो लक्ष्मी माता को दीपक चाचू है। तो हम आ गए थे वहाँ से स्कूटी और सीखने गए थे उसके बाद में, और फिर अभी माता लक्ष्मी की धनतेरस पे पूजा की है मम्मी ने और मैंने, और मैंने आज सर्दी पड़ने लगी तो मैंने आज स्वेटर निकाल ली, क्योंकि बाहर मतलब स्कूटी पे तो मतलब बहुत तेज सर्दी लग रही थी, तभी मैं पहन के चली गई थी स्वेटर, और कहीं जुकाम वुकाम हो जाता है, सर्दी हो ही रही है आज तो सुबह से वैसे, तब आज से मैंने स्वेटर पहन ली। ये मतलब मेरे शादी के टाइम की मम्मी ने करवा के देती थी इधर से, मतलब बड़ी के साथ मेरी ये सब स्वेटर होते हैं ना, तो मेरी शादी के बाद में तो सर्दी थी नहीं बिल्कुल भी, तब मैंने कोई कपड़े वपड़े जो भी मैं भी जैकेट लेके आई थी मेरे उधर से, सॉल स्टॉल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं निकाले, तो अब इसी सर्दी में मैं उनका यूज़ लूँगी। तो आज मैंने पहली बार पहनी है स्वेटर सर्दी आते ही। तो बस व्लॉग का भी मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, मम्मी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सभी अपना ध्यान रखें।